वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। और दीदी काफी नाखुश दिख रही है, सोच में तो भी है क्योंकि दीपक जी ने मुझे चाय नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमारा भैया दिया था, हमारा भैया दिया था, चंदन भैया। ऐसा हो सकता है कि मैं डीके जी ने हम लोगों को चाय पिलाया है। चंदन भैया कौन है? चंदन भैया कौन है? चंदन भैया हमारे भैया, सबको पता है। डीके वंदना, डीके जी, डीके जी, हेलो डीके जी, कैसे हैं आप? डीके जी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को चाय खिला के। मां चंदन भैया प्याज भाई काल हो, चंदन भैया को बहू ले आ जाए तो फिर क्या बता बता। तो आज है हमारे बाबू का बर्थडे, किस दिन का? हमारा बर्थडे किस दिन का बाबू का बर्थडे? भी सुन नहीं, चलो हैप्पी बर्थडे लल्ला। बनना दीदी नहा चुकी क्या आप? एक ग्लास और। मेरे भाई ने मुझको लेके यहाँ दिया, डीके जी ने यही पे पहुँचा दिया। कौन सा भाई? भाई तीन है ना, डीके भैया, भाई जी बुलाए थे डीके भैया। माँ डीके भैया हमेशा की चाय पिया, इतना बढ़िया बताओ, हम सुंदर ठंडी लगा था। नहीं डीके ने ला के पिला, बनाने वाले कोई और है, दीपक भैया, बनाने वाला हमारा दीपक भाई, पंकज भाई। चाय जिन्होंने आज चाय पिलाई है सबको एकदम एक नंबर। चाय कैसा बना था मम्मी जी? एकदम एक नंबर। मैंने पीते ही बोल दिया कि भाई आज की चाय बहुत बेहतरीन है। जितने भी बनाया मुझे नहीं पता कि पंकज ने बनाया था। नहीं उन्होंने बताया, पंकज भाई ने बताया कि हमने बनाया है, किसी को चाय नहीं पसंद आ रहा था। हाँ। नहीं चाय के सब बोल रहे हैं, ऊपर नीचे जो है ना चाय पानी जैसा बना रहा है, ये ऐसा ना भाई, पतला चाय बहुत खराब होता है बनाए वाले के ऊपर। चलो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को प्यार देना, प्यार दुला देना। और आज का मजा तो आएगा बहुत, और ऐसी पार्टी धमाकेदार पार्टी। शेविंग करो बस, शेविंग करो बस, शेविंग। हाँ चलो जिसको शेविंग कराना है, दाढ़ी मूंछ बनाना है, चल अगर चलता हूँ गेल के पास, बगल में जाएंगे ना वो पेड़ के, दही बाबा जी बनवा लीजिए। अभी सब लोग उठ रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, लेकिन सबको चाय पिला दी है और हम भी पी लिए, चलते हैं मिलते हैं कुछ देर बाद। उठाओ 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 ना बाबा, पक्का आज 65 का ठर्रा, 65 का ठर्रा, 65 का ठर्रा, बिना ठर्रा भाई। मैं मतलब जो भी दूरी थी मिस्टर भाई में प्यार हो गया। अरे भाई अंकुश भाई मिस्टर भाई, अरे कुछ निकाल दे, सावधान रहो भाई, सावधान। हथियार है कौन सा हथियार? ए कौन सा हथियार? नहीं 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 नहीं, पिस्टल नहीं, ये इनकी पिस्टल है हमारा। तो यहां पे हथियार निकाल लिया। आप लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी, जो हुआ का गलतफहमी। आज हम सब लोगों ने मिल के सारे जाओ इनका और अंकुश भाई का सिका गिलवा जो है दूर करवा दिया है। जो भी अंकुश भाई और तेल ले, ठीक है, सीधी बात है। और जिनके बीच में प्यार ज्यादा होता है उन्हीं बीच में झगड़ा होता है। प्यार भाई देखो, प्यार तो ठीक है, हाथ क्यों डाल रहे हो तुम? ठीक नहीं भाई, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। अभी हमने बैठ के क्लियर की, जो ऑन कैमरा नहीं थी लेकिन वो हमने आमने सामने बैठ के बात की, क्लियर हो गए। लव यू भाई। जो बातें हम कॉल पे नहीं कर सकते वो बात हम सामने करते हैं। और ये सारा श्रेय मुझे जाता है, मैंने ही दोनों को मिलवाया भाई। इनका एक ब्लॉग आया था इससे पहले, उस टाइम पे मेरा थोड़ा इरादा नहीं था बात करने का, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं रखा यार, कब छोटी सी जिंदगी है, कब क्या हो जाए, फिर हम याद करते रहेंगे यार, सामने था बात नहीं कर पाया। तो अब मिट्टी भी काफी पुरानी हो गई, दीमक उमक लग रही थी, नई मिट्टी लेके। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि अंकुश भाई इतना बोल दे रहे, तो मैं क्या ही बोलूं। सच ही तो बोला, नहीं जो बोला सच बोला भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। बात तो बताओ, ये बताओ मिथुन EMI कैसे भरेगा? मजाक वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हंसी मजाक चल रहा है, आप लोग बराबर मानिएगा। हम लोग खुद अपनी EMI भर रहे हैं भाई। मिथुन भाई को कॉल करने के बाद ही खुद बोला था भाई कार कब आ रही है, तो उन्होंने 27 तारीख को बुलाया, उनके पास जाते हैं, मैं फिर उनके सामने उनको ये डायलॉग मारूंगा भाई EMI क्योंकि मेरी खुद की EMI भरने में हालत खराब हो गई है। ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था और कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बुरा ना, लेकिन मैं भाई की तारीफ करता हूँ दिल से कि बिना फायदे के
इन्होंने मिथुन भाई का साथ दिया और इस चीज का मेरे को बहुत गर्व है कि यहाँ कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बिना फायदे के किसी के साथ, मतलब ये भाई मानता है। नहीं दोस्तों इस चीज को बता दो, मिथुन से हम लोग की बात भी हुई है, काफी रॉयल इंसान है, बहुत अच्छा है यार। मतलब ये मिथुन का भाई है, ठीक है, उसने उसका स्टैंड लेने के लिए अपने आप के लिए हेट ले लिया, तो भाई दिल से सैल्यूट है इसको। बस कर पगले रुलाएगा नहीं सच में, लेकिन सच बताऊं दिल से वो रिक्रिएट नहीं था, ईमानदारी से। गाइस काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि दिल से बोल रहा हूं मैंने, मतलब स्वाति की कसम खाई है, अंकुश भाई की स्वाति की कसम खाली बताओ। अंकुश भाई की जो लेटेस्ट वीडियो आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने होटल की वीडियो आपको प्रूफ दिखाई थी कि वो प्रैंक था, तो इसको भी ये लगा था, मुझे भी लगा था कि वो शायद वो प्रैंक दोबारा रिक्रिएट किया गया है, लेकिन फिर अंकुश भाई ने मेरे को बहुत सारा सामने से बोला, जो डाउट है वो क्लियर किया। तो स्वाति की कसम खाई भाई, भाई नहीं कोई अपनी बीवी बच्चे की कसम झूठा नहीं खाता, बच्चे की नहीं खाई, कोई नहीं खाता बीवी की कसम, जो भी है बीवी की कसम झूठा नहीं खाता, बच्चे की कसम, बच्चे की कसम खाया भी नहीं जाता, बच्चे की कसम मेरी बीवी मार देगी मेरे को। तो बच्चे की खा जैसे छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लव यू भाई, बातें खत्म करते हैं, अब जो हो गया सो हो गया यार। हां लेकिन घर वाले राजी रहेंगे तब, कोशिश करने तो नहीं आता भाई, अंडा पर 24 जून, 24 जून, 24 जून को सारे आना, कल बतावा क्या है इसका बर्थडे, किसका पहला बर्थडे, किसका बर्थडे, हमारे वीरू साथ साथ सक्सेना का, आपको सब तो सबको बुला रहा है, मजा आ हम लोग आपको और अपने यूट्यूबर फैमिली, चलो जी बुलाऊंगा। ओए तो 24 फरवरी को भाई का बर्थडे है, यस, और यहाँ पे सभी लोग भाई केक खिला रहे हैं, कोई कोई ना कोई किसी को मिस्टी मिस्टी को बहुत मिस कर रहे हैं, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए है ना, यहाँ पे सभी लोग किसी ना किसी को केक खिला रहे हैं, क्या चल रहा है होता है। मैंने से बोला था लेडीज का वो था, 12 जने हो गए, गाड़ियां देखी है ना, गाड़ी देखी है, दो गाड़ी हो गई, दो गाड़ी हो गई ना, पर ये तो चलाएंगे नहीं ना, के नहीं चलाऊंगा, चाबी ले ली फिर गाड़ी को, आप कैसे चला लोगे गाड़ी, क्यों क्या है दिल्ली है ये, तो क्या हो गया, क्या हुआ दिल्ली हो चाहे पियो, पूजा भाभी तो नहीं है, जमीन जाना सकता था मैं, तू दो चला। तो गाइस निकल चुके हैं रात को 2 बजे रात को, जीजा हो तो हमारे जीजा जैसा, देख सकते हैं घर की साफ सफाई, वाइपर चला रहा है, मत दिखाओ मुझे, मैं काम नहीं करता हूँ, सही काम बहुत करते हैं आप, बहुत काम करते हैं, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, जब मन करता तभी करता हूँ, किसी के कहने से नहीं करता। अरे पंखा चले भाई साहब, रुक जा, किसी को और जीजा जी जब तैयार होकर जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, कोई ना कोई आ जा रहा है बाथरूम में जाने के लिए, कोई आ ही जा रहा है, इसको मना कर, 2 मिनट करके कितने ले रहे हैं, आधे आधे घंटे, आधे घंटे बताओ, आधे घंटे क्या कर रहे हैं भाई साहब, सब अंदर अब लोग तो नहा धो के रेडी हो गई हो, नहा लिया बुआ जी, नहा लिया आपने, नहा जाओ नहा लो, रुको तभी ठंडा चल जाएगा, तो यहाँ पे आ गए हमारे भाई साहब। सफर कैसा रहा? बढ़िया, मजे में, एकदम फर्स्ट क्लास, ट्रेन 1 घंटा लेट थी, पर हाँ लेट थे लेकिन 1 घंटा हम लोग कितने 5-5 घंटा लेट, हमारा नहीं मेरा लेट था, 5 घंटा लेट था, चलो आगे बहुत अच्छा लगा, सोच रहे थे कि आ जाना लेकिन चलो आगे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इन्हीं सब लोग साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि शाम को पार्टी होने वाली है, और क्या क्या सब लोग पहनेंगे आप लोग देखना हमारे ब्लॉग में, यही पहनेंगे तो पहने हुए नहीं, हम तो दूसरा पहनेंगे, दूसरा पहनेंगे, तो हम लोग निकल गए थे कल रात को घूमने के लिए, लेकिन पिछले ब्लॉग में आप लोग प्यार नहीं दिए हो तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया कि 1 घंटे में 500 लोग देख रहे हो, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, फिर नया वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार दो। पता नहीं देखो अभी नहा के आ गए हैं अभी, हाँ हम तो नहा के आ गए हैं सब, गए बाथरूम में नंबर लगा हुआ है, नंबर ही नहीं आ रहा है किसी का, तो अभी मेरा नंबर आया है। इतने सब लोग साथ इस ब्लॉग को करते समाप्त, और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, मिलते हैं।